प्रमुख समाज सेवी व भाजपा नेता रणवीर सिंह निक्का अपनी जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान आधार पंचायत पहुंचे। आधार पंचायत में लोगों ने रणवीर सिंह निक्का का जोरदार स्वागत किया। रणवीर सिंह निक्का ने कहा कि उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा शुरू की है, उसी के तहत वो आज आधार पंचायत में पहुंचे तो लोगों ने उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। निक्का ने कहा कि यहाँ अधिकतर लोग पौंग बांध विस्थापित रहते हैं, वह खेती बाड़ी कर अपना जीवन यापन करते हैं, परंतु यहाँ आज तक एक भी सरकारी ट्यूबवेल नहीं लगा। गांव के लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, गांव की सड़कें उखड़ी पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि इन लोगों को जो ज़मीनें राजस्थान में मिली थी उन पर स्थानीय लोगों ने कब्जा कर लिया है। निक्का ने कहा कि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। निक्का ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय महाजन इन लोगों की समस्या राजस्थान सरकार के समक्ष उठाकर इन लोगों की मदद को आगे क्यों नहीं लाते हैं। वहीं उन्होंने वन मंत्री राकेश पठानिया पर निशाना साधते हुए कहा कि वन मंत्री पिछले 4.5 साल से झूठी घोषणाएं कर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो जसूर का बस अड्डा हो, बदोही का इंडस्ट्रियल एरिया हो, जनजातीय भवन हो। निक्का ने कहा कि लोग अब दोनों नेताओं की कारगुजारी से तंग आ गए हैं, यही कारण है कि उन्हें लोगों का भरपूर प्यार व आशीर्वाद मिल रहा है। जो हमारी जन आशीर्वाद यात्रा जो हमने डोर टू डोर अभियान चलाया, चलते चलते आधार पंचायत में पहुंचे हैं। आधार पंचायत का गांव टूंड थली जिसको बोलते हैं, सारे लोग पोंग बांध विस्थापित यहां पर आए थे। आस लेकर की सरकार से इन्होंने आस रखी थी कि यहां पर हम जो हमारा पुनर्जीवन है जहां पर स्थापित हो सके, मगर गांव वालों का रोष है। सभी लोग किसानी करते हैं, सब्जियां उगाते हैं, एक भी सरकारी ट्यूबवेल आज दिन तक जहां राजनीति इतने सालों से होती हुई है, एक भी ट्यूबवेल जहां पर नहीं लगा। और पक्की सड़क जो हमारी मेन सड़क से लेकर इनके गांव तक की सड़क आज तक कच्ची है, सारी सड़क उखड़ गई है। पीने के पानी की समस्या जहां पर है, और इनका एक रोष और है, ये जो जो इनको मुरब्बे राजस्थान में मिले थे वहाँ पर इनकी ज़मीनों पर वहाँ के स्थानीय राजस्थान के लोगों द्वारा कब्जे कर लिए गए हैं। ये सरकार के अगर वहाँ जहाँ वहाँ पर जाकर गुहार लगाते हैं वहाँ उनकी सुनाई नहीं होती। तो मैं बोलने आया हूँ, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पर विपक्ष कांग्रेस का है, बड़े बड़े वादे कांग्रेस के लोग ठोक रहे हैं, जहाँ के स्थानीय पूर्व विधायक ठोक रहे हैं। तो मैं गाँव के लोगों को अवेयर करने के लिए आया हूँ कि जहाँ जहाँ इनकी ज़मीनों पर कब्जे हुए हैं पूर्व विधायक को लेकर, वहाँ पर जो कांग्रेस की सरकार है वो हमारे लोगों की मदद करे, इनकी वहाँ पर जो ज़मीनों पर कब्जे हैं वो हटाए जाए ताकि वहाँ पर अपनी जीवन यात्रा चल सके। निक्का जी, वायदे की बात की जाए तो यहाँ भाजपा सरकार ने भी काफ़ी वायदे किए हैं जिसमें मंत्री जी भी हैं, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? मैं स्थानीय मंत्री की ये बात कहता हूँ, झूठी घोषणाएं 4.5 सालों के अंदर उन्होंने की है, चाहे जसूर का बस स्टैंड है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, चाहे बदुई खनी झिगले में इंडस्ट्री एरिया है, सारे झूठे के झूठे वादे सिर्फ शबूख छोड़ते हैं। जब चुनावी वर्ष आ जाता है तो सिर्फ शिलान्यास करने की बारी होती है, धरातल पर। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।